हेलो एंड वेलकम एवरीवन, ऑनलाइन तैयारी में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं नीलाक्ष सिंह और मैं आज आप लोगों से 12 मार्च के जो करंट अफेयर्स हैं उन्हें मैं डिस्कस करूंगा। तो आज का क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करने से पहले हम देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसके बारे में हमने आपसे कल यानी कि 11 मार्च को पूछा था। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से किसे फिलिस्तीनी पीएम के रूप में नामित किया गया। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज फिलिस्तीनी पीएम, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब था वो था ऑप्शन बी यानी कि मोहम्मद शताया, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे फोटो में दिखाया गया है मोहम्मद शताया जी को, जो अब नए पीएम है, ठीक है। यहाँ पे और इनके बगल में यहाँ पे जिनको दिखाया गया है ये है फिलिस्तीन के राष्ट्रपति यानी कि महमूद अब्बास जी, ये हैं जिनका आपने आपको ऑप्शन में नाम दिया है, ये प्रेसिडेंट हैं, ठीक। और ये हो गए आपके प्राइम मिनिस्टर। तो आपको बता दें कि क्योंकि इनकी अब नियुक्ति हुई है मोहम्मद शताया की, तो इन्होंने जिनकी जगह ली है उनका नाम है रामी अल हमदल्ला, ठीक है। इनकी जगह ली है इन्होंने हमदल्ला जी ने जो है करीबन 6 हफ्ते पहले अपने पद से रिजिग्नेशन दे दिया था। तो अब जो हमारा आंसर है वो है मोहम्मद शताया, या को याद रखना है। फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग अब आज के क्वेश्चन आंसर के सिलसिले की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि पिनाका निर्देशित रॉकेट प्रणाली का हाल ही में निम्न में से किस रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। सो द क्वेश्चन इज पिनाका गाइडेड रॉकेट सिस्टम वॉज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में आपको रेंज बताए गए हैं, आपको सही जवाब देना है जो कि हमारा ऑप्शन ए यानी कि पोखरण रेंज से, ठीक। तो ये वो मिसाइल का फोटो है जो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। फिलहाल अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो पोखरण आप जानते हैं कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है। और इस मिसाइल को किसने बनाया है डीआरडीओ ने, क्योंकि डीआरडीओ ने बनाया है इसलिए ये पूरी तरह से स्वदेशी है, ठीक। अब इसकी खासियत क्या है, तो खासियत है कि ये बेहद सटीकता के साथ में वार करती है, ये बेहद सटीक है, इसीलिए जो है इसे जो है इसकी यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है और इसे अभेद बोला जाता है। फिलहाल आपको बता दें कि ये सटीकता से वार कर पाने में कैसे सक्षम है, तो उसमें जो है इसके दो कारण हैं जो इसको एडवांस बनाते हैं। पहला कि इसमें बहुत ही हाई क्वालिटी का जो है नेविगेशन का प्रयोग किया गया है, दूसरा इसका जो कंट्रोलिंग है वो भी बेहद बेहतर है हर मिसाइल की अपेक्षा। तो पहला हो गया नेविगेशन, दूसरा हो गया इसका जो कंट्रोलिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये दो चीज़ों के वजह से ये सटीकता से मार करने में ये सक्षम बनती है। फिलहाल आपको बता दें पोखरण वही है जहाँ पर भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। कब किया था, 18 मई को 1974 को, ठीक है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, 18 मई 1974 को। फिलहाल ये आपके जीके के लिए था। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत अफ्रीका के बीच परियोजना साझेदारी पर CII एग्जिम बैंक का एक सम्मेलन हुआ है, आपको बताना ये सम्मेलन कहाँ हुआ। सो 14 CII एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव ऑन इंडिया अफ्रीका प्रोजेक्ट पार्टनरशिप विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो जैसा कि प्रश्न में है कि ये जो कॉन्क्लेव है, ये जो सम्मेलन है, ये CII और एग्जिम बैंक ने मिलकर कराया है, ठीक है। फिलहाल इसका जो आंसर है, इसका आंसर है आपका दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली में जो है ये आपका कराया जाएगा, ठीक। कहाँ कराया जाएगा, दिल्ली में कराया जाएगा। अब इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि फोटो में दिखाया गया इंडिया अफ्रीका फोरम समिट की बात हो रही है। सो सबसे पहली बात ये कि ये 14वां जो है ये एडिशन है, ठीक है। ये कौन सा एडिशन है, 14th एडिशन है। और ये आपका जो हेल्ड होगा यानी कि इसका जो आयोजन होगा वो होगा आपका 17 से लेके 19 मार्च, यानी कि ये 3 दिवसीय आपका कार्यक्रम हुआ। अब इसमें जो है दो पक्ष कौन कौन से हैं, एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ जो है अफ्रीकन कंट्रीज, कुछ कंट्रीज हैं अफ्रीकन, तो एक तरफ अफ्रीकन कंट्रीज और एक तरफ इंडिया, ये दो पक्ष हैं जिनके बीच में जो है विचार विमर्श होगा। और इसका जो उद्देश्य होगा इस सम्मेलन का यानी इस विचार विमर्श का, तो वो ये कि अभी जो है मौजूदा यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो है, आपको बता दें कि भारत और अफ्रीका के बीच में $62.66 अरब का जो है वो व्यापार होता है, कितना, 62.66। तो लक्ष्य इनका ये है, एम इनका ये है कि इस व्यापार को जो है $150 अरब तक ले जाना है, ठीक है। दोनों देशों के बीच का ये जो व्यापार है इसको $150 अरब तक ले जाना है, जो कि अभी 62.66 है। फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग अपने अब अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला प्रश्न है कि नासा की पहली ऑल फीमेल स्पेस वॉक किस तारीख को आयोजित की जाएगी। तो नासा's फर्स्ट ऑल फीमेल स्पेस वॉक विल बी कंडक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। आपको वो तारीख बतानी है जब ऑल फीमेल स्पेस वॉक का आयोजन किया जाएगा। तो फिलहाल इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि 29 मार्च को, ठीक है, 29 मार्च 2019 को जो है स्पेस वॉक का जो है वो आयोजन किया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि स्पेस वॉक एक्चुअली में है क्या। तो सबसे पहले यहाँ पर बात हो रही थी नासा की, क्योंकि ये नासा जो स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, ठीक है, वही इस स्पेस वॉक का जो है आयोजन करेगा। कब करेगा हमने आपको बताया, जो हमारा आंसर है वो है 29 मार्च 2019, ठीक है, यानी इसी माह 29 तारीख को करेगा। और ये खास इसलिए है क्योंकि फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार ऐसा है कि केवल महिला, ठीक है, यानी कि ओनली वुमेन जो है स्पेस वॉक करेंगी, केवल वुमेन, ठीक है, कोई भी मैन इस स्पेस वॉक में नहीं होगा, इसलिए ये खास बनता है। अब यहाँ पर जो हमने आपको इन दो लोगों की तस्वीरें दिखाई, यही वो दो लोग हैं जो कि स्पेस वॉक करेंगी। मैं आपको बताता हूँ कि स्पेस वॉक क्या होता है, पर उससे पहले मैं आपको इनके नाम बता देता हूँ, जिनमें एक का नाम है एनी मैकलेन और दूसरे का नाम है क्रिस्टीना कोच, ठीक है। तो ये इन दोनों के नाम हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ स्पेस वॉक, तो स्पेस वॉक होता क्या है ये मैं आपको बता दूँ कि जब अंतरिक्ष स्टेशन में होते हैं अंतरिक्ष यात्री जब स्पेस स्टेशन में होते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर रीजन से बाहर निकलते हैं, अपने यान से बाहर निकलते हैं। हालांकि एक वायर उनसे बंधा रहता है जो उनके और यान के बीच में रहता है, ठीक। अब ये किस वजह से निकलते हैं, या तो हो सकता है कि वो किसी तरह का परीक्षण कर रहे हों, या फिर हो सकता है वो किसी तरह का प्रयोग कर रहे हों, ठीक है, या हो सकता है वो किसी तरह का अवलोकन कर रहे हों, ठीक है, यानी कि किसी तरह का ऑब्जर्वेशन समझ लीजिए, और या फिर हो सकता है कि उन्हें मरम्मत के लिए भी निकलना पड़ता है अपने यान से बाहर। तो ऐसे में एक वायर बंधा रहता है उनके और यानी कि अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष यान के बीच में। तो ये कुछ वजह हो सकती हैं जिनके वजह से जो है स्पेस वॉक करनी पड़ती है। अब ये फर्स्ट टाइम है कि केवल वुमन ही स्पेस वॉक करेंगे 29 को, इसलिए ये बहुत ही खास है। फिलहाल बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न ये है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 2019 किस शहर में आयोजित की गई। तो आपको शहर का नाम बताना है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली 2019 वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, आपको बताना है उस शहर का नाम। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि नैरोबी। नैरोबी क्योंकि आप जानते हैं कि नैरोबी जो है ये आपका केन्या की कैपिटल है, ठीक है, केन्या की कैपिटल है नैरोबी, वहाँ पर जो है इस सभा का जो है वो आयोजन हुआ है। अब ये वही जगह है, मैं आपको बता दूँ नैरोबी, जहाँ पर आपने अभी हाल ही में जो है वो खबर पड़ी होगी कि जो इथोपियन एक हवाई जहाज़ था, ठीक है, तो वो आपका यहाँ पर क्रैश हो गया था, ठीक है, इथोपियन तो इस देश का एक हवाई जहाज़ था जो कि क्रैश हो गया था, कहाँ पर, नैरोबी में जो है ये क्रैश हो गया था, और अपने उड़ान के जो है अगले 6 मिनट के अंदर ही जो है ये क्रैश हो गया था। इस दौरान जो है टोटल सभी मेंबर को मिला के 157 यानी कि 157 लोग जो है वो मारे गए थे। इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन एनवायरनमेंट, ये जो आप देख रहे हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसमें भाग लेने के लिए 22 कर्मचारी भी जो है वो आ रहे थे यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में, तो इन 22 कर्मचारियों की भी मौत हो गई थी। तो इस ये वही जगह है नैरोबी जहां पर जो है इन लोगों की जो है डेथ हो गई थी और सभी के सभी 157 लोग मारे गए थे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है इसका आयोजन यहाँ पर इसलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, कहाँ पर, नैरोबी में, ठीक है, नैरोबी में इसका जो है हेडक्वार्टर है, तो यहाँ पर इसका इसलिए आयोजन हुआ। फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड वाइड वेब के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है, यानी हु इज क्रेडिटेड विद डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब आप जानते हैं कि जब भी हम इंटरनेट की कोई साइट खोलते हैं तो सबसे पहले www लिखते हैं, इसी का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, यानी कि टिम बर्नर्स ली। तो टिम बर्नर्स ली को जो है वर्ल्ड वाइड वेब
कि इसको ईजाद करने का जो है इन्हें श्रेय जाता है। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात ये कि हमने यहाँ पे www की बात क्यों की, तो आज आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि गूगल ने जो है, जब आप गूगल खोलते हैं google.com, तो आपने देखा होगा कि गूगल ने जो है एक डूडल बनाया है जो कि ऐसा है जहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ये अब ये क्यों बनाया है, क्योंकि आज के दिन यानी कि 12 मार्च को आज, ठीक है, आज के दिन जो है www ने अपने 30 वर्ष जो हैं वो पूरे कर लिए हैं। कितने? 30 ईयर्स। तो इसी को सेलिब्रेट कर रहा है गूगल अपना डूडल बनाकर, जो कि कुछ ऐसा है, जब आप इंटरनेट पे खोलेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। तो न्यूज़ ये है इंपॉर्टेंट कि 30 साल पूरे हो गए हैं www को यानी वर्ल्ड वाइड वेब को, और ये 12 मार्च के दिन ही जो है इसे बनाया गया था, और 12 मार्च जो है सन 1989 को बनाया गया था। ठीक है, तो हमने जो आपको टिम बर्नर्स ली के बारे में बताया, जो अभी ऑप्शन में नाम था, वो कौन है, वो जो है एक ब्रिटिशर्स हैं। ठीक है, और ये भौतिकी जो है विज्ञानी है। ठीक है, भौतिकी विज्ञानी है, तो ये भौतिकी विज्ञानी है। इन्होंने ही 12 मार्च 1989 को जो है www को जो है इन्होंने ईजाद किया था। फिलहाल www क्या है मैं आपको बताऊं, ये एक तरीका समझ लीजिए कि ये एप्लीकेशन है जिसमें जो है तीन चीज़ों की मदद से इसे बनाया गया था। पहला HTML, दूसरा URL और तीसरा था हमारा HTTP। इन तीन की मदद से बना था www। ठीक है, कब? 1989 को। और किसने बनाया था? ब्रिटिशर्स था, भौतिकी विज्ञानी थे। ठीक है, जिनका नाम है टिम बर्नर्स ली। इसके अलावा एक और यहाँ पर आपको खासा बताना चाहेंगे कि हमने यहाँ पर एक आपको साइट ये यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। तो ये जो है, ये थी वो पहली वेबसाइट का जो नाम है वो ये है, और info.cern है। तो CERN जो है ये वो जगह है जहाँ पर इन्होंने जो है www का जो है इन्होंने उसे ईजाद किया था, CERN। ठीक है, वहाँ पर ये यूरोप में है ये CERN, जहाँ पर इन्होंने इसका जो है खोज की थी। इसके अलावा ये तो हो गई पहली वेबसाइट, तो इसके बाद में आया हमारा पहला ब्राउज़र। जैसे आप जानते हैं, जैसे क्रोन होता है, यूसी ब्राउज़र होता है, उसी तरह जो है हमारा आया पहला ब्राउज़र। तो पहला ब्राउज़र जो था उसका नाम था हमारा वर्ल्ड वाइड वेब .app। ये था ब्राउज़र का नाम, जो कि हमारा पहला ब्राउज़र था। ठीक है, अब रही बात कि इंडिया में कब आया इंटरनेट, तो इंडिया में आया था आपका 15 अगस्त 1995 को इंडिया में जो है इंटरनेट ने पांव रखे थे। कब? 1995 में इंडिया में आया था इंटरनेट। तो फिलहाल ये हो गया आपका गूगल ने क्यों सेलिब्रेट किया है डूडल बनाकर www को। फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2018 के अनुसार कौन सा देश हथियारों का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक बन गया है। आयातक आप जानते हैं यानी कि इम्पोर्टर। सो विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ आर्म्स। तो ये जो रिपोर्ट है, ये है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2018 यानी कि सिपरी, इसको शॉर्ट में कहते हैं सिपरी, इसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका जो सही जवाब है, यहाँ पर बात हो रही है सबसे बड़े आयातक की, तो कंफ्यूज मत होइए, ऑप्शन है आपका बी। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर, सऊदी अरब। मैंने इसलिए कहा कंफ्यूज मत होइए क्योंकि अभी हाल ही में जो खबर चल रही है उसमें जो है भारत को जो है बताया जा रहा है कि भारत जो है वो दूसरे नंबर पर है। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले पे है भारत या दूसरे पे है। तो पहले नंबर पे है सऊदी अरब और दूसरे नंबर पे है भारत। ठीक है, तो ये है वो चित्र जिसमें हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सिपरी यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि सबसे बड़ा आयातक है इस समय दुनिया में सऊदी अरब, जिसका जो शेयर है वो है 12%। सेकेंड नंबर पे ही इंडिया, यानी इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर इन द वर्ल्ड, तो 9.5% है भारत का। कई बार अगर इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन में अगर क्वेश्चन आता है तो सऊदी अरब ही पूछा जाएगा, और अगर राष्ट्रीय स्तर पर पूछा जाता है तो फिर भारत को पूछा जाएगा कि भारत का क्या स्थान है सबसे बड़े आयातक देशों में। इसके बाद में इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, अल्जीरिया, चाइना, यूएई, इराक और फिर साउथ कोरिया, वियतनाम और अदर्स में 47% दिया गया है। तो यहाँ पर जैसे बताया गया है कि इंडिया वॉज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट है। ठीक है, लेकिन जो लार्जेस्ट नंबर वन है वो है आपका सऊदी अरब,
ठीक है, ये आपका बताया गया है। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अब हम आपको देंगे क्वेश्चन ऑफ द डे कल के लिए। मुझे उम्मीद है जैसे आज आप लोगों ने हमें सही से सही आंसर देने की कोशिश की, आप हमें आज भी करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे बनता है आज का कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। सो हु टुक चार्ज एज न्यू डायरेक्टर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मीन्स बार्क। तो आपको बताना है कि किसने जो है नए निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। फिलहाल आज के लिए शुक्रिया, हम मिलते हैं अब कल।